नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज ये एक घर का काम चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये मकान बन रहा है, आप देख सकते हैं। ये 15 फीट वाइड है, इसकी जो चौड़ाई है 15 फीट है, और टोटल जो गहरान है 42 फीट है। 15 बाय 42 में मकान बना हुआ है, ठीक है। हाइट की बात करें तो ये रोड है, ठीक है, यहाँ पे सामने रोड है, और रोड से ये बेसमेंट बनाया है। क्लाइंट ने क्या है, क्लाइंट का ग्राउंड फ्लोर पे एक बेसमेंट यहाँ पे रहेगा। एक्चुअली आधा हिस्सा ही बेसमेंट रहेगा, आधा ऊपर रहेगा, ठीक है। ऊपर भी दुकान, नीचे दुकान रहेगा बेसमेंट वाले, और ऊपर दो फ्लोर पे रहने के लिए रेजिडेंशियल के हिसाब से मकान बनेगा। दोस्तों इसका सब कुछ डिटेल मैं बताऊंगा, तो यहाँ पर भी इस वीडियो में आपको मैं बेसमेंट का ही डिटेल आपको बताता हूँ कि बेसमेंट अगर आप बनाते हैं तो आपको किस तरीके से बनाना है दोस्तों, ठीक है। पहली चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये वाला हिस्सा थोड़ा सा पीछे करके बनाया गया है, और ऊपर से ये देख सकते हैं, इसको कवर कर दिए ताकि बारिश का पानी अंदर ना घुसे, जो भी बारिश का पानी वगैरह है नीचे ना जाए, ठीक है। और रोड हाइट से ये देख सकते हैं, रोड हाइट से 4 फीट के आसपास ये डाउन है दोस्तों, और सामने से सीढ़ी दिए गए ऊपर वाली जो दुकान है उस पे जाने के लिए, ठीक है। और ये बेसमेंट जो है इसमें पीछे जाने के लिए पीछे से आपको, ठीक है, अभी मैं अंदर भी आपको डिटेल बताता हूँ कि अंदर कैसे है, आपको आइए आपको मैं दिखाता हूँ। 15 फीट वाइड है और 42 फीट टोटल लेंथ है दोस्तों। ये इस तरीके से बनाया गया है, आप देख सकते हैं। फ्रंट से आपको इस तरीके से सीढ़ी मिल जाएगी, यहाँ से आप ये इस तरीके से नीचे जा सकते हैं, ठीक है। और ये आपका रहा बेसमेंट, या बेसमेंट आपका पूरा इस तरीके से रहेगा, और यहीं पीछे से ही ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं, यही पीछे से ही आपका सीढ़ी रहेगा। ये हर फ्लोर पे कनेक्ट रहेगा, ये सीढ़ी जो है आपका हर फ्लोर पे कनेक्ट रहेगा, यहीं पीछे से ही दरवाजा दिया गया है, ठीक है। एक्चुअली क्या क्लाइंट का क्या कहना था कि जैसे ऊपर साइड में जब 15 फीट दुकान है तो ऊपर साइड में अगर पीछे से सीढ़ी नहीं देता तो साइड से आपको गली देना पड़ेगा, तो वो वजह से क्या है कि ऊपर की जो दुकान है कम हो जाएगी, ऊपर की जो दुकान है उसकी विड्थ कम हो जाएगी, इसीलिए उन्होंने बेसमेंट से ही रास्ता दिया, बेसमेंट से ही यहां पे रास्ता दे दिया गया है, और ये हर फ्लोर पे कनेक्ट रहेगा दोस्तों। तो ये था पूरा डिटेल वीडियो, आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया। वीडियो पसंद आए तो चैनल से अपना प्यारा सपोर्ट जरूर बनाए दोस्तों, बाकी ऐसे खूबसूरत वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से अपना प्यारा सपोर्ट बनाए। मिलते हैं दूसरे वीडियो लेकर, तब तक विदा लेता हूं, धन्यवाद।